नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को प्रदेश भर में गुणवत्ता युक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में कक्षा 2 से लेकर 7 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल पूछे गए। परीक्षा परिणाम में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर गुणवत्ता युक्त परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया था। उक्त परीक्षा में होने वाली मार्किंग से जानकारी मिल सकेगी कि किस विद्यालय का शैक्षणिक स्तर किस लेवल का है। जानकारी के बाद ही विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान अगर किसी विद्यालय में स्टाफ की कमी के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार की कमी की जानकारी मिलेगी तो उसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर शनिवार को जवाजा ब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों में उक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंपानगर में आयोजित परीक्षा में कक्षा 2 से लेकर 7वीं तक के करीब 70 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। गुणवत्ता युक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा प्रथम पारी में हिंदी विषय की 1.5 घंटे की है और द्वितीय पारी में गणित विषय की होगी। कक्षा 2 से 7वीं क्लास के बच्चों की ये गुणवत्ता युक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है। शहर के सेंदा रोड के विस्तारीकरण कार्य पिछले 1 माह से अधिक समय से रुका हुआ है। मार्ग विस्तारीकरण में रोड़ा बने रहे पेड़ों की कटाई की इजाजत नहीं मिलने से विस्तारीकरण कार्य अटका हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 1 माह पूर्व स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर चंदा रोड पर 12 पेड़ों की कटाई की मंजूरी मांगी थी, परंतु अब तक पेड़ कटाई की मंजूरी नहीं मिलने के चलते मार्ग का विस्तारीकरण कार्य अटका हुआ है। स्थानीय प्रशासन की ओर से मंजूरी मिलते ही पेड़ कटाई का निर्माण कर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग विस्तारीकरण में रोड़ा बन रहे 12 पेड़ों को चिन्हित कर उन्हें काटा जाना है, जिसके बाद चंदा रोड मार्ग को 14 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लगभग 80 लाख रुपए की लागत से मार्ग का विस्तारीकरण कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश में दुर्घटना संभावित मार्गों को चिन्हित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग व यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था। इसी के तहत तीनों विभागों की ओर से ब्यावर में ऐसे 8 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट पॉइंट्स को चिन्हित किया था। विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 8 दुर्घटना संभावित पॉइंट में से एक सेंदा रोड का विस्तारीकरण कार्य शुरू किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सेंदा रोड स्थित शिव मंदिर से अजगर बाबा थान तक के मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। विभाग की ओर से मार्ग विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। विस्तारीकरण के तहत मार्ग के बीच डिवाइडर भी बनाया जाएगा। फिलहाल मार्ग की दोनों तरफ से खुदाई कर दी गई है। आने वाले दिनों में मार्ग पर डामरीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। शहर के विजयनगर रोड स्थित बीएल सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शनिवार को फाग महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर अतिथि पार्षद हेमंत कुमावत, डॉक्टर अनिल जड़िया, डॉक्टर विवेक शर्मा, एडवोकेट रमेश शर्मा तथा महावीर कुमावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फागोत्सव के दौरान नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं ने भगवान राधा कृष्ण व श्रीनाथ जी की सुंदर फूलों एवं रंगों से झांकी एवं रंगोली सजाई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण का वेश धर मीठे रस से भयोरी राधा रानी लगी तथा होली आई रे कन्हाई रंगबर से सरी के भक्ति गीतों पर थिरकते हुए नृत्य प्रस्तुतियां देते हुए एक दूसरे के साथ फूलों से होली खेली। कार्यक्रम में संस्था संस्थापक मुकेश सोनी, प्रियंका जैन, गिरीश सोनी, नवीन खत्री, पायल सोनी, भूमि गुर्जर, दीक्षिता, राघव सोनी, वर्षा सिंह, कुमकुम साहू तथा विहान आदि उपस्थित रहे। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए 6x4 फीट आकार के डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर आपातकालीन फोन नंबर, संस्था प्रधान का नाम, बाल सुरक्षा प्रभारी एक महिला सहित 2 शिक्षक, स्थानीय अस्पताल, थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, गरिमा हेल्पलाइन 8764858500 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर 1098 लिखने होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रत्येक स्कूल को इसके लिए 500 रुपए देगा। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं को स्कूलों में शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा से बचाना है। मालूम हो कि स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले उत्पीड़न को लेकर पीड़ित का
शिकायत करने का मानस होता है, लेकिन उसे इसके लिए आवश्यक विपात्र व्यक्ति नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हिंसा के यह कारण उजागर नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते यह उत्पीड़न बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय की ओर से यह पहल की गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकारी विद्यालयों में एक जगह जहां पर सरणी रूप से उन बोर्डों को देख सके, वहां पर बोर्ड पर संस्था प्रधान का नाम, विद्यालय का नाम, एक पुलिसकर्मी का नाम जो बीट में लगता हो, और दो एक महिला कर्मचारी और एक पुरुष शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर वो डिस्प्ले करना है, जिससे कि छात्रों को किसी भी तरह का भय हो तो उस पर हेल्प ले सके। इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं, ये आदेश सराहनीय है। प्रत्येक विद्यालय में ऐसे बोर्ड लगने से सुरक्षा होगी और जानकारी मिलेगी। खाटू नगरी के तर्ज पर शहर के फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्री श्याम मंदिर में विराजित शीश के दानी का 11वां फागण महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान आगामी 5 से 7 मार्च तक बाबा का 3 दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाएगा। 5 मार्च को ध्वजारोहण के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। मंदिर प्रमुख सुनील कौशिक परिवार सहित ध्वजारोहण करेंगे। दोपहर 12:15 बजे से अखंड ज्योत पाठ किया जाएगा। 6 मार्च को एकादशी के मौके पर प्रातः 8:15 बजे से विशाल कलश व निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1:15 बजे बाबा का पंचामृत अभिषेक करेंगे। रात्रि 8 बजे से श्री श्याम परिवार की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी क्रम में 7 मार्च को प्रातः 7 बजे से ज्योत दर्शन व रात्रि 8 बजे से भव्य भजन संध्या में कोटा के गायक श्याम सलोना भजनों की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के तहत प्रतिदिन बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर सदस्य तैयारियों में जुटे हैं। महर्षि दयानंद बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती रेणु शर्मा व ओम प्रकाश चौहान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण सहित हवन से कराया गया। विद्यालय सचिव विनायक माहेश्वरी सहित प्रबंध समिति के सदस्य मुरलीधर छापरवाल, ओम प्रकाश काबरा, दीवान सिंह आर्य तथा अभय देव आर्य ने छात्राओं को अच्छे अंक प्राप्त करने के गुर बताए एवं उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की। इस दौरान कक्षा 9वीं की छात्राओं ने तिलक लगाकर रंगोली बांधकर कक्षा 10वीं के छात्राओं को विदाई दी। छात्राओं ने देशभक्ति व राजस्थानी गीतों पर नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। अंत में संस्था प्रधान सहित समस्त शाला परिवार ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था प्रधान डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि कार्यक्रम में पीसीसी सचिव पारस पंच तथा जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह रोहित राज गंगवानी ने शाला में एक साउंड सिस्टम भेंट करने, शांतिलाल नावरिया ने विद्युत घंटी एवं रंगमंच पर टीन शेड डलवाने की घोषणा की। इस दौरान पीओ के क्षेत्राधीन सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर कई विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्चता के लिए पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समारोह के दौरान ओपी मिश्रा, नारायण सिंह पंवार, अनामी शरण, अर्जुन कृपलानी, सरपंच सुमन सोनी, आनंद सिंह, धर्मेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, संजय सोनी, मोहनलाल राव, सोहन लाल, नरसिंह टेलर सहित विद्यालय स्टाफ सदस्य मौजूद थे। 7 माह पूर्व एक्सिस बैंक के आंतरिक लेखा खातों का दुरुपयोग कर 1,55,00,000 रुपए का घोटाला कर फरार आरोपी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि 29 जुलाई 2019 को एक्सिस बैंक शाखा ब्यावर के प्रबंधक मनीष शर्मा ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि बैंक में कार्यरत मनोज भार्गव ने विगत माह में आंतरिक लेखा खातों का दुरुपयोग कर 1,55,00,000 रुपयों का गबन कर लिया है, जिस पर सिटी थाना पुलिस ने धारा 409 में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। इस दौरान आरोपी ने अपने परिचित के जिन बैंक खातों में गबन की राशि स्थानांतरण की गई, उनके खातों की डिटेल प्राप्त कर पुलिस ने अनुसंधान किया तथा आरोपी के ICICI बैंक ब्यावर के खाते में स्थानांतरित की गई राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रकरण में अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी राव कॉलोनी मसूरिया जोधपुर हाल किशनगंज ब्यावर निवासी मनोज भार्गव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से प्रकरण के संबंध में राशि बरामदगी के प्रयास कर रही है।
बाड़मेर जिले में बिना अपराध के एक युवक को पुलिस हिरासत में रखने तथा इस दौरान युवक की मौत पर श्री खटिक समाज मारवाड़ पंचायत ब्यावर ने शनिवार को तहसीलदार को एक ज्ञापन देकर आक्रोश जताया है। तहसीलदार के मार्फत सीएम को दिए गए ज्ञापन में पुलिस के प्रति आक्रोश जताते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रूपए का मुआवजा देने के साथ साथ किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में बाबूलाल सामरिया, मोहनलाल दाइमा, मदन सामरिया, गोर्धनलाल, यशवंत कुमार, नौरा सोलंकी, श्याम नागोरा, महेंद्र नैनीवाल, श्रवण चावला, शिवराज सामरिया, किशन भिलावत, अजय चंदेल, दिलीप बागड़ी सहित अन्य शामिल थे। मालूम हो कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में पुलिस ने जितेंद्र खटिक नामक युवक को चोरी का माल खरीदने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस प्रताड़ना के कारण युवक की हिरासत में ही मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद भी थानाधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तथा युवक को मृत छोड़कर किसी अन्य प्रकरण के लिए निकल गए। हालांकि इस मामले में थानाधिकारी तथा एसपी बाड़मेर को एपीओ कर दिया गया है। समाज ब्यावर द्वारा बाड़मेर पुलिस थाना ग्रामीण द्वारा दलित युवक जितेंद्र खटीक की हिरासत में निर्ममता पूर्वक हत्या करने के बाबत हमारे द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये बताया गया कि इनके परिवार को न्याय दिलाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे और परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जिन्होंने इस बर्बरतापूर्वक जो कार्य किया है उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर उनको अरेस्ट किया जाए। नारी शक्ति संगठन ब्यावर की ओर से 5 मार्च को फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फागोत्सव की तैयारियों को लेकर शनिवार को सेंदा रोड स्थित श्री रंगजी के मंदिर पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों से फागोत्सव को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि फागोत्सव के दौरान 100 किलो फूलों से होली खेली जाएगी, साथ ही भगवान राधा कृष्ण की झांकी के साथ महाराज का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं तथा के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। बैठक में अश्विनी झालानी, भावना पवार, सोनिया सरवा, सुमन राठौर, सुमन झंवर, अलका जैन, माधुरी गर्ग, स्वाति फुलवारी, कांता चौधरी, संतोष खंडेलवाल, गीता फुलवारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थी। शहर के समीप पाली जिले के राबड़ियावास रास स्थित अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में कार्यरत महाप्रबंधक मानव संसाधन सुधीर कुमार सिंह पर शनिवार को सुबह कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद रास पुलिस ने ब्यावर पहुंचकर घायल महाप्रबंधक के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने बयानों के आधार पर हमलावरों में से एक को नामजद कर उसकी एवं उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महाप्रबंधक सिंह शनिवार को सुबह 11:30 बजे फैक्ट्री की आवासीय कॉलोनी स्थित निवास से कार में सवार होकर फैक्ट्री जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए 15 से 20 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया तथा उन्हें कार से नीचे उतार कर उन पर लाठियों एवं सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिंह कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि हमलावर हमला कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर फैक्ट्री से भी काफी संख्या में कार्मिक एवं अधिकारीगण मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में सिंह को ब्यावर एकेश लाया गया। यहां पर उनकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों में एक नरपत सिंह का नाम सामने आया है, उसके साथ करीब 15 से 20 अन्य लोग शामिल थे। फिलहाल नरपत सिंह सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले के पीछे कारण क्या है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हमलावरों में से ही किसी एक के पुत्र को नौकरी से निकाल देने के मामले को लेकर हमला किया गया है। हाउसिंग बोर्ड गढ़ी तोरियान स्थित गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को गार्गी पुरस्कार प्रतिभा सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। संस्था निदेशक भरत कुमार भाटी व भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक मुकुंद भाटी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका मनीषा भट्ट व अध्यापक लाल सिंह चौहान ने विद्यालय की गार्गी पुरस्कार सम्मानित छात्राएं दिव्या तिगाया,
संजना ठठेरा, पायल चौहान, पिंकी रावत, मोनिका गहलोत को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कमल किशोर, अनुराग गहलोत तथा रेणु भट्ट आदि उपस्थित थे। विद्यालय प्रभारी रीता त्यागी व सीमा भट्ट द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां कराई गई, जिसके तहत कक्षा 12वीं की छात्रा कविता बारोलिया को मिस फेयरवेल व छात्र यशराज सेन को मिस्टर फेयरवेल चुना गया। विद्यालय द्वारा आयोजित रैंप वॉक में भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शाला प्रबंधक भरत कुमार भाटी, मुख्य अतिथि मुकुंद भाटी, लाल सिंह चौहान, कमल किशोर व अनुराग गहलोत द्वारा कार्यक्रम के अंत में कक्षा 12 व 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा हेतु प्रोत्साहित किया गया व भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर रेणु सोनी, अर्पना कुमारी, करिश्मा कछावा, नंदनी फुलवारी, सिंपल कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह, विनोद दोलिया, गौतम देवड़ा, विनोद जांगी तथा महेंद्र कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर खटिक समाज ने जताया आक्रोश, सीएम के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के महाप्रबंधक पर हुआ जानलेवा हमला, गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर। एक्सिस बैंक में 1,55,00,000 के गबन का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। और सरकारी स्कूलों में आयोजित हुई गुणवत्ता युक्त परीक्षा, प्रथम 3 स्थान वालों को किया जाएगा पुरस्कृत।